रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इरकॉन की आज लिस्टिंग हुई है और कंपनी की आगे की विस्तार योजनाओं पर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एसके चौधरी से खास बात की हमारे संवाददाता राहुल सिंह ने। इस आईपीओ से आपको कुछ फंड नहीं मिलेगा, तो आने वाले दिनों में एक्सपेंशन के लिए क्या आपके पास पर्याप्त राशि है और क्या आने वाले दिनों में कैपिटल जुगाड़ने के लिए क्या आप और भी किसी तरीके से फंड रेज कर सकते हैं? इसका पैसा सारा भारत सरकार के पास गया है, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट कैश अभी है, क्योंकि हमारे पास अगर आप हमारी वो बैलेंस शीट आपने पढ़ी होगी तो उसमें करीब 4600 करोड़ रुपए के करीब हमारे पास एडवांसेस हैं, जिसमें 3400 करोड़ हमारे क्लाइंट्स से हैं जो मोबिलाइजेशन एडवांस है, और 1200 करोड़ रुपया हमारा इंटरनल जनरेशन से है जो कि सफिशिएंट है मेरे वर्किंग कैपिटल के लिए और कैपिटल एक्सपेंशन के लिए। ओवरसीज रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 3 साल में काफ़ी इसमें गिरावट है, जहां पहले 50% था अब वो 10% हो गया है, तो ये क्यों हुआ और इसका फाइनेंशियल्स पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा है? आप सही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारे ऑर्डर्स थोड़े ख़त्म हुए हैं, क्योंकि हमारे बड़े प्रोजेक्ट ख़त्म हुए और अभी हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और हम बिडिंग करने जा रहे हैं 2 कंट्रीज़ में, जो कि हम अगले 1 या 2 महीने में बिडिंग कर देंगे, उनके टेंडर्स की थोड़ी डेट बढ़ गई है, तो वी होपफुली वी विल गेट दिस, ये काम मिल जाएगा हमारे। ऑर्डर बुक कैसा दिख रहा है आने वाले दिनों में, कितने के ऑर्डर्स आपको मिल चुके हैं और फ्यूचर्स में क्या क्या और मिलने वाले? 31 मार्च 2018 को जैसा कि हमने डिस्क्लोज किया था 22,400 करोड़ रुपये की हमारी एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक थी। एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक वो है जिसमें कि मैंने काम शुरू कर दिया है, और अभी 31 अगस्त 2018 को हमारी एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक करीब करीब 26,000 करोड़ है, जहाँ पे काम शुरू हो गया है और ऑर्डर्स हमारे पास सफिशिएंट है, जहाँ पे हमारा काम शुरू हो जाएगा उसको हम ऐड कर देंगे और जो फ्रेश ऑर्डर्स हमारे में ऐड होंगे वो इसमें बढ़ जाएंगे। आपका आने वाले दिन में रुझान किधर रहेगा, विदेशों की तरफ रहेगा या फिर भारत में भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उस पर ज़्यादा रहेगा? विदेशों में भी रहेगा और भारत में तो डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि भारत की ग्रोथ में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा अपना प्ले करना चाहते हैं, जिसमें कि रेलवे प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि अब गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें रुचि दिखाई है इसको एक्सपेंशन के लिए, तो हम डेफिनेटली एक कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट करने में, और सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा जिसमें हमने रेलवे में काम किया है। एक आखिरी सवाल होगा मेरा सर आपसे कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क की बात की जा रही है, तो आने वाले दिनों में क्या उसमें भी कंटेस्ट करेंगे या फिर किसी तरह का आपको ऑर्डर मिला उससे भी? नहीं, डेफिनेटली जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी वहाँ भी हम देख रहे हैं, हाई स्पीड में भी जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आ रही है हम बात कर रहे हैं बाकी पार्टनर से।